भारत ने रचा इतिहास, अब तक कोरोना वैक्सीन की 100 करोड़ डोज लगी। सीएम योगी का कार्यक्रम, पुलिस स्मृति दिवस परेड कार्यक्रम में हुए शामिल, राम मनोहर लोहिया अस्पताल का किया निरीक्षण। लखीमपुर खीरी में बड़ा हादसा, एक के बाद एक दो नाव नदी में पलटी, एक व्यक्ति की नदी में डूबने से मौत। शाहरुख खान ने बेटे आर्यन खान से करीब 15 मिनट की मुलाकात, 17 दिन बाद सिर्फ 15 मिनट के लिए मिले शाहरुख। शेयर बाजार हरे निशान पर, सेंसेक्स 298 अंकों की तेजी के साथ खुला। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश बुलेटिन की। 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज के दिन को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भी यादगार बना रहे हैं। दरअसल प्रदेश को अपनी सेवा देते हुए वीर गति को प्राप्त होने वाले पुलिस कर्मियों के परिवार को सीएम योगी ने सम्मानित किया। वहीं आज सीएम योगी के कई कार्यक्रम भी है। सीएम योगी आज राम मनोहर लोहिया अस्पताल जाएंगे और वैक्सीनेशन बूथ का दौरा करेंगे। वहीं सामाजिक सम्मेलन को जो इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित किया गया है उसमें सम्मिलित भी होंगे। वहीं नैमिषारण्य वीवीआईपी गेस्ट हाउस का लोकार्पण भी करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो सीएम योगी आदित्यनाथ के आज कई कार्यक्रम हैं, जिसमें से एक में हिस्सा भी ले चुके हैं। पुलिस स्मृति दिवस परेड कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम योगी आदित्यनाथ, वीर गति को प्राप्त हुए पुलिस कर्मियों के परिवारों को सम्मानित किया और साथ ही उनके आगे के भी कई कार्यक्रम हैं जिसमें सीएम योगी भाग लेंगे और स्थिति का जायजा भी लेंगे। 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसे आज मनाया गया। आज के दिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे और भी यादगार बनाया और पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया। और इस खबर पे अब हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता गौरव जुड़ चुके हैं लाइव। गौरव, आज जिस तरह से सीएम योगी के कई कार्यक्रम हैं, उसमें से एक सबसे महत्वपूर्ण रहा पुलिस स्मृति दिवस, क्योंकि वीर गति को प्राप्त हुए पुलिस कर्मियों के परिवारों को सम्मानित किया सीएम योगी ने, तो किस तरह से ये कार्यक्रम खास रहा और क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, जिस तरह से पुलिस लाइन में आज कार्यक्रम आयोजित किया गया, स्मृति दिवस मनाया गया, वहाँ पर जो दिवंगत चार पुलिसकर्मी थे जो शहीद हो गए थे सेवा के दौरान, उनके परिवारों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सम्मानित किया है, उनसे भेंट भी की है और भविष्य में मदद का उनको आश्वासन भी दिया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। इसके अलावा अगर अन्य कार्यक्रमों की बात करें तो मुख्यमंत्री आज लखनऊ में है और पूर्णतः लखनऊ में रहेंगे और आज कहीं उनका अन्य दौरा नहीं है। तो जो सबसे पहले कार्यक्रम था वो स्मृति दिवस का कार्यक्रम था, उसमें शामिल हुए। उसके बाद मुख्यमंत्री लोहिया अस्पताल गए थे, वहाँ पर जो बूथ चल रहा है आपका कोरोना वैक्सीन बूथ चल रहा है, उनका जायजा लिया। जिस तरह से आज 100 करोड़ वैक्सीनेशन पार हो गया है, मैं आपको बता दूं उत्तर प्रदेश वैक्सीनेशन के मामले में इस समय सर्वोच्च स्थान पर है। लगातार वैक्सीनेशन किया जा रहा है, चाहे आप 18 वर्ष की ऊपर के आयु के लोगों की बात करें या 45 वर्ष के लोगों की आयु की बात करें, लगातार उत्तर प्रदेश में वैक्सीनेशन बहुत ही तेज गति से हो रहा है और खुद इसकी सराहना WHO कर चुका है। क्योंकि जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी नीतियों के तहत, एक रणनीति के तहत कोरोना को रोका भी है और जिस तरह से लोगों की जान बचाई है और टीम 9 की बैठक कर करके एक रणनीति बना के कोरोना के समय बेहतर क्रियान्वयन को काम किया है, नीतियां बनाई हैं, उसको WHO भी उनको सराहना कर चुका है और कर अन्य देशों ने भी उनकी सराहना की है। तो ये तो निश्चित तौर पर बात है कि कोरोना वैक्सीनेशन के मामले में उत्तर प्रदेश और आज सर्वोच्च पे है। साथ ही साथ जिस तरह से उत्तर प्रदेश में आज जो 75 जिले हैं उनमें से 42 जिले हैं कोरोना संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं, कुछ एक एक जिले में है एक आध संक्रमण है। अगर टोटल एक्टिव केसों की बात करें तो कुल एक्टिव केस 124 बचे हैं। जी गौरव, आज इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान भी जाएंगे जो वहां पे कार्यक्रम आयोजित तो हो रहा है, उसमें सम्मिलित होंगे और नैमिषारण्य वीवीआईपी गेस्ट हाउस का लोकार्पण भी करेंगे, इस विषय में और क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी, मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे चुनाव पास आ रहे हैं, रैलियों का दौर भी है, यात्राएं भी निकल रही है, अन्य पार्टियां भी कर रही, बसपा भी कर रही है, भाजपा भी कर रही है, सपा भी कर चुकी है और अभी मैं आपको बता रहा हूँ कांग्रेस की तिरंगा यात्रा भी निकलने वाली जो 12,000 किलोमीटर की लगभग रहेगी। तो इसी कड़ी में माना जाता है कि सामाजिक सम्मेलन किए जा रहे हैं, अलग अलग जाति के अलग अलग संप्रदाय के लोगों का सामाजिक सम्मेलन भारतीय जनता पार्टी द्वारा
किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं ये सम्मेलन 12 अक्टूबर से लेके 27 अक्टूबर तक चलाए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के अलग जिलों में सम्मेलन किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज राजधानी लखनऊ में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में सामाजिक सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित करेंगे और उद्घाटन करते नजर आएंगे। वही अगर दूसरे कार्यक्रम की बात करें तो एक और सम्मेलन आज आयोजित किया गया है जो कि पंचायत राज भवन में रहेगा, जहाँ पर पिछड़ा वर्ग के लोगों का सामाजिक सम्मेलन रहेगा, जहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पिछड़ा वर्ग के लोगों से संबोधित भी करेंगे, उनसे संवाद भी करेंगे, आगामी लोकसभा चुनाव के लिए आगामी विधानसभा चुनाव के लिए उनसे जनसंवाद करते हुए अपनी पार्टी में पक्ष में करने की रणनीति बनाते नजर आएंगे। इसके अलावा अगर बीबीआईपी गेस्ट हाउस का नाम बात करें तो बीबीआईपी गेस्ट हाउस का नया नाम कर दिया गया नैमी सरण, इसलिए उसका तरह से नया नाम का लोकार्पण आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किया जाएगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मैं जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर मैं संवाददाता गौरव जुड़े थे, जिन्होंने आज हमें सीएम योगी आदित्यनाथ के तमाम दौरों और कार्यक्रम की पूरी जानकारी दी। तो आज कई कार्यक्रम हैं जिसमें से एक में सम्मिलित भी हो चुके हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। वहीं अपने लगातार कई जिलों के दौरे कर रहे हैं, लेकिन आज पूरा दिन वो लखनऊ में ही रहेंगे और लखनऊ में रहने के साथ ही वो नैमिषारण्य वीवीआईपी गेस्ट हाउस का लोकार्पण भी करेंगे और इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान भी जाएंगे। वहीं रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 5 दिवसीय अखिल भारतीय शारीरिक वर्ग शाखा के 3रे दिन सरसंघ चालक मोहन भागवत भी शामिल हुए। इस दौरान परिचय सत्र के साथ ही बौद्धिक और शारीरिक वर्ग का अभ्यास भी कराया गया। अयोध्या के विश्व हिंदू परिषद मुख्यालय कार्यसेवक पुरम में 5 दिवसीय अखिल भारतीय शारीरिक वर्ग शाखा लगाई गई है। 1992 के बाद पहली बार इतनी बड़ी शाखा अयोध्या में लगाई गई है, जिसमें 45 राज्यों से 450 संघीय कार्यकर्ताओं को शामिल किया गया है। वहीं आजमगढ़ जनपद में बीते माह बारिश के चलते सगड़ी विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभा स्थगित होने के बाद अब सदर विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री की जनसभा के लिए स्थान चिन्हित किया गया है। इसके लिए भाजपा नेताओं और प्रशासनिक अधिकारियों ने रानी की सराय क्षेत्र में संभावित स्थल का निरीक्षण किया। इसी के साथ जनसभा स्थल के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसी सिलसिले में भाजपा जिलाध्यक्ष सदर ध्रुव सिंह और अन्य नेताओं के साथ पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह सराय क्षेत्र में स्थित पूर्वांचल पीजी कॉलेज मैदान का निरीक्षण किया। इस संबंध में जिलाध्यक्ष ध्रुव सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभा 24 से 28 अक्टूबर के मध्य रानी की सराय स्थित पूर्वांचल पीजी कॉलेज के मैदान में होनी है। सिद्धार्थनगर जनपद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर सांसद और विधायक पूरी तैयारियों में जुट गए हैं। 25 अक्टूबर को माधव बाबू मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सिद्धार्थनगर में आगमन है। वहीं उसी के तहत बांसी कस्बे में स्थित आड़ीमा मैरिज हॉल में डुमरियागंज सांसद ने कार्यकर्ता और ग्राम प्रधानों के साथ एक बैठक की, जिसमें बांसी मिठवल खेस रहा तीनों ब्लॉक के ग्राम प्रधान मौजूद रहे। प्रधानमंत्री के आगमन के दिन भारी संख्या में लोगों से पहुंचने के लिए सांसद ने अपील की है। वहीं सभी लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए लोगों को अभ्यास भी कराया गया है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री सिद्धार्थनगर का सौभाग्य है कि आज़ादी के बाद कोई पहली बार प्रधानमंत्री तथागत गौतम बुद्ध की धरती पर आ रहा है और आगामी 25 को प्रधानमंत्री आ रहे हैं। माधव बाबू जी के नाम पे एक मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट का दे रहे हैं, जिस दवाओं के लिए हमको गोरखपुर लखनऊ दिल्ली जाना पड़ता था, आज एक मेडिकल कॉलेज का सपना साकार करने आ रहे हैं उसका उद्घाटन। और जिस तरह से इस जनपद के विकास में हाईवेज हो, बांसी बहराइच गोरखपुर रेल लाइन हो, इन सब के गोरखपुर कांग्रेस पार्टी की जिलाध्यक्ष निर्मला पासवान के नेतृत्व में कई महिला नेत्री इंदिराबाद बिहार चौराहे पर एकत्रित होकर अपनी खुशी का इजहार किया। इस दौरान ढोल पर कांग्रेस पार्टी के महिला और पुरुष कार्यकर्ता घंटों थिरकते रहे और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर अपनी खुशी का इजहार किया। निर्मला पासवान ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के महासचिव और
उत्तर प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने जो घोषणा की है वो पूरी तरह से महिलाओं के हक की बात और अधिकार है। बीजेपी का महिला सुरक्षा केवल कागजों में ही दिखाई देती है। आज जो 40% शक्ति का रूप आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने महिलाओं को दिया है, और बेटियां चाहे महिलाएं ये भी लड़ सकती हैं। 40% जो महिलाओं को विधानसभा में दमदारी से जो जवाबदेही तय करने के लिए दिया है, उसकी खुशी पूरे जिले में जश्न मिला करके डांस करके महिलाएं उसको सभी जगह दे रही हैं कि इससे बड़ा खुशी का दिन महिलाओं के लिए और कुछ नहीं होगा। गोरखपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने लूट के मोबाइल के साथ दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार पुलिस ने अभियुक्तों को तरंग ओवरब्रिज के पास से गिरफ्तार किया और उनके पास से पुलिस ने एक मल्टीमीडिया मोबाइल रेडमी भी बरामद किया है। तो ये बड़ी सफलता हाथ लगी है पुलिस को, जहां चोरी के मोबाइल के साथ साथ अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने अभियुक्तों को तरंग ओवरब्रिज के पास से गिरफ्तार किया है और उनके पास से पुलिस ने एक मल्टीमीडिया मोबाइल रेडमी बरामद किया है। लखीमपुर खीरी में एक के बाद एक दो बड़े नाव हादसे हो गए हैं। घाघरा नदी में अलग अलग समय पर नाव पलट जाने से 25 लोगों के लापता होने की आशंका है। 3 लोगों को बचा लिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे के बाद जिला प्रशासन के अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचकर बचाव और राहत कार्य के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा प्रबंधन की टीम की मदद लेते हुए तेजी से बचाव और राहत कार्य किए जाए। पहली घटना ईसा नगर थाना के क्षेत्र में मिर्जापुर गांव के लोगों के साथ हुई है। बताया जा रहा है कि गांव के लोग सुबह के वक्त अपने खेतों पर पड़े धान को उठाने के लिए नाव से गए थे। नाव पर 10 लोग सवार थे। मटेरा गांव के पास एक 18 लोगों से भरी नाव पलट गई, जिसमें स्थानीय लोगों के द्वारा 6 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है और 1 दर्जन से अधिक लोग तेज बहाव के चलते लापता हो गए हैं। वहीं हेलीकॉप्टर द्वारा रेस्क्यू के सभी 16 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी का एक और मानवीय रूप सामने आया है। आगरा जाते वक्त 1090 चौराहे पर एक बच्ची के एक्सीडेंट की जानकारी मिलने पर प्रियंका गांधी ने फ्लीट करवाई। वो फ्लीट रोक कर हादसे का शिकायत लड़की का हाल जाना, वहीं और एक्सीडेंट के मामूली रूप से घायल लड़की को फर्स्ट एड किट मंगा कर दिया। प्रियंका गांधी ने खुद घाव को साफ कर मलहम लगाकर पट्टी भी बांधी। मिर्जापुर में अखिल भारतीय क्षत्रिय के कार्यकर्ता ने जिला मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। मिर्जापुर अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा और अखिल भारतीय ब्राह्मण कल्याण संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने सोनभद्र से अपना दल एसके सांसद पकौड़ी लाल कोल द्वारा ब्राह्मण और क्षत्रिय समुदाय पर की गई अभद्र टिप्पणी के खिलाफ जिला मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। नारेबाजी करते हुए मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपकर पकौड़ी लाल कोल पर कार्यवाही की मांग की गई है। वहीं जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करने के बाद क्षत्रिय और ब्राह्मण समाज के सैकड़ों लोगों ने पद मार्च करते हुए एसपी कार्यालय का घेराव भी किया, जहां पर मुकदमा दर्ज कराने के लिए पत्र सौंपा। वहीं पुलिस अधीक्षक की गैर मौजूदगी में सीओ सदर को पत्रक सौंप कर कार्यवाही की मांग की गई। प्रतापगढ़ के लालगंज स्थित ट्रामा सेंटर में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। ऑक्सीजन प्लांट के लिए लगाए गए विद्युत ट्रांसफार्मर में ब्लास्ट हो गया। ट्रामा सेंटर में लगाया गया 63 kV विद्युत ट्रांसफार्मर का कनेक्शन करते हुए ब्लास्ट हो गया है। ब्लास्ट इतना जबरदस्त था कि जद में आकर कई लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं। अचानक हुए ब्लास्ट में भगदड़ मच गई। सभी घायलों को ट्रामा सेंटर प्रतापगढ़ मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। ये घटना, ये ट्रामा सेंटर के जस्ट बाहर ही ट्रांसफार्मर लगा हुआ है जो कि अचानक से फट गया, और वहीं पे आसपास जो पब्लिक खड़ी थी, कुछ या इलाज करने वाले थे या कुछ आदमी थे इलाज कराने आए थे, और उसमें 4 लोग जो है झुलस गए हैं, जो जिसमें से 2 तो हैं लगभग 20 से 30% चोट है।
जबकि दो को थोड़ा गंभीर है, 50 से 60% तक। शाहजहांपुर के गर्रा नदी के जलस्तर में वृद्धि को देखते हुए जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह और पुलिस अधीक्षक एस आनंद ने राजस्व कर्मियों की टीम के साथ बाढ़ प्रभावित स्थलों का निरीक्षण किया। गांवों में अलर्ट जारी किया गया। ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों से पुलिस अधीक्षक एस आनंद ने कहा कि ऊंचे स्थानों पर रहें और सतर्क रहें। डीएमएसपी ने गर्रा नदी स्थित बाढ़ क्षेत्रों के निरीक्षण के दौरान कहा कि गर्रा नदी का लगातार जल स्तर बढ़ रहा है, ऊंचे स्थान पर रहें और सुरक्षित रहें। तो बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। लगातार दो दिन की ही बारिश में उत्तर प्रदेश में काफी तबाही देखने को मिली है। कई घर ढह गए और लोगों की मौत की खबरें भी सामने आ रही है। वहीं डीएमएसपी ने गर्रा नदी स्थित बाढ़ क्षेत्रों के निरीक्षण के दौरान कहा कि गर्रा नदी का लगातार जल स्तर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से स्थानीय लोगों को सुरक्षित और सतर्क रहने की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।